तो गाइस देवदार मूवी बाघा जतीन और प्रसेनजितर मूवी दशम अवतार ये दोटो मुभिर मध्य क्योंकि जोर कदमे टक्कर देवा देवी चलते और दोटो मुभिर रेस क्योंकि किछुते ही कमछे ना एखोनो पर्यंत कमार कोनो चान्स नहीं कारण आपनारा सकले ही जानें जतक्षण पर्यंत ना टाइगर थ्री मैं सलमान खान टाइगर थ्री रिलीज होच्छे तो आर आगे पर्यंत एरा किन्तु कोनो अंशे थेमे थाकबे ना कारण जे रेसटा देखा जाच्छे सेटा प्राय सेई लेवेलेर। तो गाइस आज के आमरा कथा बोलबो जे एई दोटो मुभि टोटाल कुड़ी दिने के कत टाका बक्स अफिस कालेक्शन करलो सेटाई बोलबो। तो भिडियोटा आपनादेर जोन्नो अनेकटा इंटरेस्टिंग होते चलेछे ताई भिडियोटाके शुरू थेके निये शेष पर्यंत कन्टिन्यू करबेन। चैनले फार्स्ट टाइम होले प्लिज चैनलके सबसक्राइब करे भिडियोते एकटा लाइक करे देबेन। तो चलुन भिडियोटी शुरू करा जाक। तो गाइज फार्ष्ट हमें कथा बोलो सृजित मुखर्जी डिरेक्शन निर्मित छवि बांगलार सुपार डुपार मा चेउटर मुवि दशम अवतार के लिए। तो गाइज मुविटा तो दर्शक बेस भलो साड़ा पे भलो रेसपन्स पाचे भलो रिव्यू पे कितु एखो पर्त मुविटार को अंशे ही क्योंकि को खामती नहीं कारण मुवीट एखो पर्त रेकर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर दर्शक रीतिमत हले भीड़ जमा। तो गाइज मुविटा अलरेडी तरह कुड़ी दिन कमप्लीट कर नहीं तो डे कुड़ी से मुवीट कत टा बक्स अफिस कलेक्शन करल। तो गाइज मुविटा तरह डे कुड़ी से बक्स अफिस कलेक्शन कर प्राय 11 लाख टाकार मत और टोटाल कुड़ी दिन बक्स अफिस कलेक्शन कर 6,47,00,000 टाका। तो गाइस ये क्योंकि एक रेकर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन और अलरेडी एखन 20 दिन चलते और 20 दिन से एक मुवि 11 लाख टाका बक्स अफिस कलेक्शन करा मैं ये भाई आसले ही एक क्योंकि अविश्वास्य रेकर्ड आपनी बोलते पारे। तो मुविटार क्रेज क्योंकि किछुते ही कमछे ना आशा करी टाइगर थ्री ना आसा पर्यंत मुविटा एक ही भाव बक्स अफिस कलेक्शन कर जाए। तो गाइस मुविर बक्स अफिस कलेक्शन निये आपनादेर कि मतामत आपनारा नीचे कमेंट बक्से अवश्य जानाबेन और विभिन्न न्यूज पोर्टाले सोर्स थेके जेटा जाना गेछे मुविटा तार डे 21-ओ किन्तु 8 থেকে 10 লক্ষ टाका पर्यंत बक्स अफिस कलेक्शन करते पारे। तो गाइस एरपर आमरा कथा बोलबो बांगलार बक्स अफिस किंग सुपारस्टार देवर मुवि अरुण रॉय डिरेक्शन निर्मित छवि बांगलार सुपार डुपार पाँच एवर्डर मुवि बाघा जतीन के लिए। तो गाइस मुविटा तो दर्शकदेर काछ थेके प्रथम थेके भालो सपोर्ट पेयेछे भालो साड़ा पेयेछे भालो भालोबासा पेयेछे। तो गाइस मुविटा किन्तु एखोनो पर्यंत रेकर्ड ब्रेकिंग कलेक्शनो करछे। तो गाइस आपनारा सकलेई जानेन जे किछुदिन आगे किन्तु देवदा एकटा पोस्ट करेछिल जेखाने देवदा जानिएछिल देवदार मुवि ब्योमकेश ओ दुर्गरहस्य तार 80 दिने एसेओ नंदने हाउसफुल दिएछे তাহলে বাঘা যতীন কেন পারবে না। তো গাইস বাঘা যতীন তো অলরেডি জোর কদমে টক্কর দিচ্ছে প্রসেনজিতের মুভি দশম অবতারকে এবং আপনারা সকলে জানেন দশম অবতার কিন্তু এখন অনেকটাই এগিয়ে রক্তবীজ এবং দেবদার মুভি বাঘা যতীনের থেকে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু দেবদা এখনও পর্যন্ত জোর কদমে টক্কর দিচ্ছে। তো গাইস মুভিটাও তার অলরেডি ডে 20 কমপ্লিট করে নিয়েছে ডে 20 তে মুভিটা বক্স অফিস কালেকশন করেছে 13 লক্ষ টাকার মতো এবং টোটাল 20 দিনে মুভিটা ইন্ডিয়ার থেকে গ্রস কালেকশন করেছে 6,02,00,000 টাকার মতো এবং আজকে অলরেডি 21 ডে তো মুভিটা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালের সোর্স থেকে যেটা জানা গেছে মুভিটা 10 থেকে 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বক্স অফিস কালেকশন করবে। তো গাইস দেবদার মুভি কিন্তু দশম অবতার থেকে অনেকটাই পিছিয়ে অনেকটা বলতে বেশ মানে যতটা পিছিয়ে ছিল আগে তার থেকে কিন্তু অনেকটাই এখন বেড়ে গেছে বক্স অফিস কালেকশনটা এবং এখন কিন্তু দশম অবতারের সাথে জোর কদমে টক্কর দিচ্ছে এবং আশা করি লাইফ টাইম বক্স অফিস কালেকশনে দশম অবতার মুভির রেকর্ডকে ব্রেক করে দেবে দেবদার মুভি বাঘা যতীন। তো গাইস এটা নিয়ে আপনাদের কি মন্তব্য আপনারা নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। গাইস দুটো মুভির মধ্যে আপনি কোন মুভিটাকে এগিয়ে রাখছেন সেটাও কিন্তু নিচের কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। তো গাইস এই ছিল আজকের ভিডিও। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন। তো চলুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে।